किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी, जिसे आप यूपी पर इन गेहूं की किस्मों को बेस्ट किस्मों को आप लगा करके अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं। गेहूं की अधिकतम पैदावार निकालने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात तो है कि कोशिश कीजिए आप 15 नवंबर के आसपास तक आप गेहूं की बुआई कीजिए। जितना ज़्यादा लेट करेंगे फिर पैदावार घटने वाली है। दूसरी बात, बेसल डोज बुआई के समय आपको 50 किलोग्राम एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद, 30 से 35 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम और यदि हो सके तो 1 से 2 ट्रॉली गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर करके इस बेसल डोज का इस्तेमाल आपको 1 एकड़ में करना चाहिए और सिंचाई के साधन। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं की वे कौन सी टॉप क्लास की वैरायटी हैं जिनको लगा करके आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं, फुटाव अच्छे हैं, उत्पादन अच्छा है, खाने में बेस्ट हैं और काफ़ी बढ़िया सा हमको फुटाव लाजवाब सी वैरायटी हैं। तो आइए 5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले पायदान पर दोस्तों हमने HD 2967 गेहूँ की वैरायटी को रखा है। अब यह जो HD 2967 गेहूँ की वैरायटी है, इसे आप मध्य अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। इसका दाना मोटा, वजनदार, बढ़िया क्वालिटी वाला होता है। बालियों की लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 1 एकड़ में आपको 45 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई नहीं करनी चाहिए, 40 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। यदि हम तैयारी की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 140 दिन के आसपास का समय लग जाता है, 135 से 140 दिन का समय मानकर चलिए, यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है और 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि कम से कम 4 से 5 सिंचाई है तो इस वैरायटी को आप लगाइए 2967 गेहूँ की वैरायटी। पैदावार की बात करते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो 25 से लेकर के 28 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। गेहूं की फसल पर जो घटते पैदावार का जो मेन रीज़न है, कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई सल्फर और खासकर पोटेशियम पोटास जो तत्व है ना, इसकी पूर्ति नहीं करते हैं। जिंक, बोरॉन, ह्यूमिक एसिड, सीवीड जैसे तत्वों की आप पूर्ति कीजिए और फिर पैदावार देखिए और सही समय पर आप सिंचाई करिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एकदम आप गीलापन बनाकर रखें, थोड़ा सा क्रैक आने दीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए और फिर वापस कंडीशन को मैनेजमेंट करिए, ठीक तरीके से आप सिंचाई करिए, तभी आप गेहूँ से एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। गेहूँ की फसल पर फ्लैट एरीगेशन अमृत की तरह काम करता है, तो स्प्रिंकलर एरीगेशन से कोशिश कीजिए कि सिंचाई ना करें, फ्लैट एरीगेशन से यानी खुला हुआ पानी का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कितनी दूरी पर हमको इस वैरायटी को लगाना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर के आसपास लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी चाहिए। पौधे की ऊंचाई 101 से 105 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट हाइट होती है। HD 2967 गेहूं की वैरायटी का जो कैरेक्टर है, प्लांट है, पौधा है, फील्ड फसल है, कुछ इस प्रकार दिखती है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसकी रोटी ठीक आती है, खाने में बढ़िया वैरायटी है, लेकिन बेचने के पर्पज़ से यदि आप इसको लगाते हैं तो हमारे हिसाब से बेस्ट, बाकी खाने के हिसाब से भी अच्छी है, उत्तम नहीं कह सकते, ठीक ठाक है, लेकिन उत्पादन अच्छा निकालिए और मार्केटिंग कीजिए। यदि उपयुक्त डिस्टेंस रखते हैं तो फिर जो फुटाव है ना, वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलने वाले हैं। दूसरे पायदान पर हमने श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, गेहूं के जो फार्मर्स हैं, उनको पता है कि श्रीराम सुपर 303 गेहूं काफ़ी बेस्ट है, लेकिन कुछ इलाकों पर उतना अच्छा उत्पादन नहीं निकल पा रहा है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि लगातार आप गेहूं की खेती करते आ रहे हैं तो पहले तो फसल चक्र अपनाएं, अलग अलग फसलों को लगाएं। दूसरी बात, जो बेसल डोज है ना, थोड़ा सा अच्छा वाला न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा और अच्छे से सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। केवल DAP यूरिया से गेहूं का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, पोटास और सल्फर तत्व की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो श्रीराम सुपर गेहूं की जो हाइट होती है लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अक्टूबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, थोड़ा सा लेट बुआई भी इस वैरायटी की चल जाती है। 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1000 दानों का वजन लगभग 40 से लेकर के 48 ग्राम के आसपास तक होता है
और 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो अभी तो मार्केट में काफ़ी महंगा भी, कहीं कहीं पर सीड्स शॉर्टेज के कारण जो कीमतें हैं ना वो सीड्स की बढ़ गई हैं। 2600 से लेकर के 3000 रुपये के बीच में हमको प्रति बैग की कीमत देखने के लिए मिलती है, जो 40 किलोग्राम का पैक आता है। लान से लान की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखिए। यह वैरायटी खाने बढ़िया हैं, सफ़ेद रोटी आती हैं और बाजार में भी काफ़ी बराबर और अच्छे रेट हमको देखने के लिए मिलते हैं। यदि उपजाऊ और बेहतरीन सॉयल है तो फिर क्या ही कहिए। बीमारियों के प्रति यह मध्यम सहनशील, यानी रस्ट की जो समस्या बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। यदि तैयारी की बात करें तो यह जो वैरायटी है ना 130 से 135 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है और थोड़ा लेट तक आप 25 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए समय में बुआई करने की। और पैदावार की बात करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है ना 22 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल एक एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं। नंबर 3 DBW 187 गेहूं की वैरायटी करण वंदना। यह वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। यदि हम प्लांट हाइट की बात करें तो लगभग 95 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के प्रति यह किस्म सहनशील वैरायटी है और प्रति एकड़ सीड्स 40 से 45 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। गिरने की समस्या बहुत ही कम आती है और अच्छे खासे डिस्टेंस पर आप बुआई करें, यानी लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखनी चाहिए। लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत है 1700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यह वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार की बात करें तो 25 से लेकर के 26 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं कम से कम, और यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है उपज क्षमता। यह सभी की सभी जो किस्में हैं नज़दीकी खाद बीज भंडार से आप खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगी, बस ओरिजिनल सीड्स को ही खरीदना। DBW 187 गेहूं की वैरायटी खाने में भी बेस्ट है और बेचने के पर्पस से भी आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। अगली जो वैरायटी है HD 3086 गेहूँ की वैरायटी, इसे पूसा गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इस वैरायटी को लॉन्च किया था। HD 3086 गेहूँ की शानदार वैरायटी, इसका दाना बोल्ड चमकदार वजनदार होता है और प्लांट की जो हाइट है वो 85 से लेकर के 90 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है, यानी गिरने की समस्या बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन पास पास में बुआई करते हैं और बहुत ज़्यादा आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इन केस गिरने की समस्या भी आ सकती है। समय की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर से लेकर के आप 20 और 25 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, और यदि हम समय अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 140 से 150 दिन के आसपास का समय ले लेती है। फुटाव अच्छे आते हैं और 40 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से बुआई करनी चाहिए। पैदावार की बात करते हैं तो 24 से लेकर के 29 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। तो HD 3086 गेहूँ की वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब और उत्तम वैरायटी में से एक है, और यदि आज के समय भी अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए और बढ़िया तरीके से गेहूँ खेती की जाए तो यह पुरानी वैरायटी है जरूर, लेकिन नई किस्मों को टक्कर देती है। अगली और जो लास्ट वैरायटी है DBW 327 गेहूँ की वैरायटी, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2021 में करनाल यूनिवर्सिटी ने विकसित की थी। पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर होती है, गिरने की समस्या बहुत ही कम है। 1000 दानों का वजन 48 ग्राम के आसपास। यह जो 327 गेहूँ की वैरायटी है ना दोस्तों, यह उच्चतम तापमान सहन करने की क्षमता है, येलो रस्ट और जो ब्राउन रस्ट है ना इसके प्रति सहनशील है, और यह वैरायटी 327 गेहूं की वैरायटी लगभग 155 दिन के आसपास का समय लेती है। पैदावार की बात करते हैं तो 30 क्विंटल से लेकर के 34 क्विंटल अधिकतम पैदावार इस वैरायटी की निकाली गई है। बालियों की लंबाई बढ़िया आती है और खाने में और पैदावार में दोनों डिपार्टमेंट में काफ़ी सुंदर और काफ़ी श्रेष्ठ वैरायटी है। तो 327 गेहूं की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, इसका कैरेक्टर भी काफ़ी शानदार है। बालियाँ लंबी आती हैं, पत्ते थोड़ा चौड़े और गहरे ग्रीननेस देखने के लिए हमको मिलते हैं। तो DBW 327 गेहूं की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं और इसी का अल्टरनेटिव DBW 303 वैरायटी को आप मान सकते हैं। बाकी DBW 327 ने जैसे पिछले साल परफॉर्मेंस किया है तो इस साल भी
किसान आस लगाए बैठे हैं कि इस साल भी काफी अच्छी पैदावार देगी, तो यह वैरायटी भी काफी लाजवाब है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि आप यूपी से हैं और यूपी पर गेहूं की बेस्ट किस्म का चुनाव करना चाहते हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। सर्वोत्तम पैदावार देने वाली 5 किस्मों के बारे में हमने बात करी। धन्यवाद।